बीटीआर फाउंडेशन राष्ट्रीय संस्था ने प्रीति गृह में उनके सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें रश्मि चंदेल न्यायाधीश झारखंड न्यायिक बतौर मुख्य अतिथि के रूप में रही। बीटीआर फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा संख्या ने रश्मि चंदेल को टोपी शॉल तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। बीटीआर फाउंडेशन की अध्यक्ष सीमा सांख्यान ने संबोधित करते हुए कहा कि आजकल बेटियां किसी भी जगह पीछे नहीं हैं। बेटियां राज्य और देश में अपना नाम रोशन कर रही हैं। रश्मि चंदेल का उदाहरण देते हुए बताया कि छोटी सी उम्र में अपना नाम रोशन किया तथा उसके साथ बिलासपुर का नाम भी रोशन किया, जो बिलासपुर वासियों के लिए गर्व की बात है। उनके सम्मान समारोह में बिलासपुर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने हिस्सा लिया। वहीं रश्मि चंदेल ने बिलासपुर आगमन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मुझे बीटीआर फाउंडेशन संस्था ने जो सम्मान प्रदान किया उसके लिए सभी संस्थाओं का धन्यवाद करती हूं। बीटीआर फाउंडेशन संस्था जो बेटियों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है उसके लिए बधाई की पात्र है। रश्मि चंदेल ने सबको बताया कि बेटियों के आगे बढ़ने में माँ बाप का विशेष योगदान रहता है। मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। उन्होंने बताया कि हमें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि आज की पीढ़ी नशे की लत से दूर रहे, क्योंकि आज की पीढ़ी नशे की ओर ज्यादातर बढ़ रही है। केंद्र की मोदी सरकार जहां 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का दम भरती है, तो वहीं आजकल प्रदेश के किसान पीले रतुए की मार झेलने को मजबूर हैं। जी हां, नैना देवी से स्वारघाट भाखड़ा क्षेत्र तक कई ऐसी पंचायतें हैं जहां गेहूं की फसल को पीले रतुए की नजर लग गई है। जिससे न केवल किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, बल्कि उन्हें अपने परिवार के भरण पोषण की भी चिंता सताने लगी है। वहीं स्थानीय किसानों का कहना है कि बीते दिनों हुई भारी बारिश और फिर कोहरे की सीधी मार उनकी गेहूं की फसल पर पड़ी है, जिसके चलते उनकी फसल पर जगह जगह पीला रेशा चढ़ गया है। जबकि उन्होंने दवाई का छिड़काव भी किया था, अपनी फसल पर पीले रतुओं को देख अब स्थानीय किसान प्रदेश सरकार से फसल के नुकसान की एवज में अनुदान राशि दी जाने की अपील करने लगे हैं। वहीं बीडीसी सदस्य ओपी चौहान का कहना है कि पीले रतुए की मार कई पंचायत के किसानों की फसल पर पड़ी है, जिससे उनकी आमदनी दोगुनी तो दूर जीवन यापन तक करना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही उन्होंने इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा उचित कदम उठाने की अपील की है। वहीं पीले रतुए की समस्या के संबंध में जब कृषि विभाग बिलासपुर के उप निदेशक कुलदीप पटियाल से पूछा गया तो उन्होंने माना कि बारिश पर कोहरे का सीधा असर किसानों की फसलों पर पड़ा है और कई पंचायतों में पीले रतुए की शिकायतें आ रही हैं। साथ ही उन्होंने पीले रतुए से निपटने के लिए पूरे जिला में विभाग द्वारा विकास खंड से लेकर ग्रामीण इलाकों ने खोले गए कार्यालयों में 434 लीटर ट्रोपिकाना जोड़ दवाई उपलब्ध करवाने की बात करते हुए प्रत्येक 2-3 वर्षों में गेहूं के किस्म को बदलकर खेती करने और दवाई का छिड़काव करने की अपील किसानों से की है, ताकि पीले रतुए से उनकी फसल बच सके। सोलन के पुराने उपायुक्त कार्यालय के समीप वार्ड नंबर 12 के तहत पड़ने वाले बराड रोड में टायरिंग के कुछ महीने बाद ही उखड़ गई है, जिसके कारण यहां पर हादसे होने लगे हैं। टायरिंग उखड़ने के कारण रोड़ी सड़कों पर गिरी है और यहां पर उतराई में पैदल चलते हुए लोग गिर रहे हैं। साथ ही दोपहिया वाहन चालक भी स्किट हो रहे हैं, जिसके कारण लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस समस्या से निजात दिलवाने की गुहार लगाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क के शुरू में नाली न बनी होने के कारण पानी सीधा सड़कों पर बह रहा है, जिसके कारण करीब 2 महीने पहले ही की गई टायरिंग जगह जगह से उखड़ गई है और उतराई होने के कारण गड्ढे व रोड़ी पर पैर पड़ते ही व्यक्ति गिर जाता है। इस मामले में बाढ़ के लोगों ने बातचीत के दौरान बताया कि यहां पर एक डंगे के अंदर से भी पानी लगातार बह रहा है और इसके कारण सड़क टूट रही है। लोगों ने बताया कि इस सड़क पर इन दिनों पैदल चलना मुश्किल हो गया है और हर रोज
कोई न कोई यहाँ पर गिर जाता है। उन्होंने नगर परिषद व जिला प्रशासन से इस सड़क को जल्द से जल्द ठीक करवाने की गुहार लगाई है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार ने बताया कि उनके ध्यान में ये मामला मीडिया के माध्यम से आया है और वे मौके का दौरा करके जल्द ही इस समस्या का समाधान करने के लिए दिशा निर्देश देंगे।